देंगे किस तरह से आप रिपेयर कोड ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जिन्हें नहीं पता कि रिपेयर कोड ऐप किस लिए बनाया गया है और ये किसके लिए है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि रिपेयर कोड ऐप एसी टेक्नीशियन होम अप्लायंसेस रिपेयर करने वाले टेक्नीशियनों के लिए बनाया गया है। जब भी एसी टेक्नीशियन या होम अप्लायंसेस रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन कस्टमर के यहाँ जाते हैं और उन्हें एरर कोड, जैसे कि कोई भी मशीन में एरर कोड शो होता है, वो उन्हें पता नहीं होता है, तो हर मशीन के एक स्पेसिफिक एरर कोड के लिस्ट होते हैं जिन्हें देखकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं पर वो ऑथेंटिक डाटा, जैसे कि रियल डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि क्या इस मशीन में फॉल्ट है और इसे कैसे ठीक करें। इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने इस रिपेयर कोड ऐप को डेवलप किया है ताकि हर एक टेक्नीशियन अपने फील्ड में अच्छी तरह से काम कर सके। अब हम समझ लेते हैं कि आप किस तरह से इस ऐप को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम बैकग्राउंड में काम करते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक डाटा मिल सके। सबसे पहले आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होते ही आपको लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। लॉगिन स्क्रीन पे आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं या आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें और अपना अकाउंट बना लें। फिर आप उसी अकाउंट से फिर लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपना ईमेल डाल के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू विद गूगल कर रहे हैं। मैंने अपना ईमेल पहले से डाल रखा था, इसीलिए उसने ऑप्शन नहीं दिया कि अपना ईमेल सेलेक्ट करें। अब हम लोग होम स्क्रीन पे आ गए हैं। होम स्क्रीन पे आपको तीन सेक्शन मिलेंगे, एक हेडर सेक्शन, एक मिडिल सेक्शन और नीचे दिया गया इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन का उपयोग करके आप किसी भी एरर कोड को डायरेक्टली पूछ सकते हैं बिना उसे फाइल मैनेजर में या ब्रांड लिस्ट में जाए। कोई भी एरर कोड जानने के लिए आप सिंपली उसको यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ कि C9 एरर इन डाइकिन AC और मैं इसे सेंड कर दिया, उधर से मुझे रिस्पांस आ जाएगा कि C9 एरर का क्या मतलब है। जिससे मुझे यहाँ रिस्पांस में मिला है एरर ऑफ सक्शन एयर थर्मिस्टर। इसका मतलब होता है कि सक्शन एयर पर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम है। आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसे चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक एरर कोड कई मशीन में सेम होते हैं, जैसे कि C9 का मतलब ये कैसेट AC, VRF और आपके जो टावर AC है, स्प्लिट AC है, सब में सेम होगा। आप इसको अपने डाइकिन के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी चेक कर सकते हैं या PDF है उनका, जिसमें आप देख सकते हैं एक ही एरर कई मशीन में सेम होते हैं। नीचे जाके आप इसमें अपना रिस्पांस भी डाल सकते हैं, क्या ये एरर कोड आपके लिए काम किया कि नहीं किया, अगर किया तो कैसे किया, ये भी डाल सकते हैं, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया और आपने उसे कैसे ठीक किया, तो वो रिस्पांस अपना यहाँ डाल सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो भी एरर कोड कोई सर्च करेगा टेक्नीशियन उसे हेल्प मिल सकेगी। और इसमें आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। कई लोग को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो इस पर क्लिक करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आपको एट ए टाइम वहाँ पे ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। ये कई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। इस छोटे से मेन्यू बटन पे क्लिक करके आप इस पोस्ट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये एरर कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये मैनुअली टाइप होते हैं तो इसमें मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे जल्द से जल्द अपडेट कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने ऐप के नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है ब्रांड लिस्ट। यहाँ पे सारे ब्रांड लिस्टेड है और ये ब्रांड लिस्ट हम लोग अपडेट करते रहते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ये ब्रांड सर्च किया और इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ हर एक चीज़ अच्छे से डिवाइड किया गया है ताकि आपको ईज ऑफ एक्सेस हो। और अभी मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे कि लोइड का AC का एरर कोड, स्प्लिट AC का एरर कोड, आपको PDF जो कि ओरिजिनल डाटा, यही मैं कह रहा था शुरुआत में कि हम ऑथेंटिक डाटा में विश्वास रखते हैं, तो आपको जितने भी एरर कोड्स यहाँ मिलेंगे सब ऑथेंटिक होंगे, 100% वर्किंग होंगे, कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं। ये ओरिजिनल एरर कोड हमारी कम्युनिटी के द्वारा हमें सेंड किया जाता है और हम इसे यहाँ अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड लिस्टेड है और आगे चल के सारे ब्रांड को लिस्ट किया जाएगा जो कि अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं अभी मैं गोदरेज का स्प्लिट AC का ओरिजिनल एरर कोड, जो कि आउटडोर में PCB के ऊपर स्टिकर लगा रहता है, ये ओरिजिनल एरर कोड होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे हमने अवेलेबल करा के रखे हैं आपके लिए। यहाँ देख सकते हैं ट्रेन का VRF एरर कोड, ये सब अवेलेबल है हमारे पास, और जो अब अवेलेबल नहीं है वो आप हमें फीडबैक में डाल सकते हैं, हम आपके लिए जल्द से जल्द उसे अवेलेबल करवाएंगे। ये फीडबैक पे आके आप जो भी आपको चाहिए, जिस ब्रांड का चाहिए, एरर कोड, फाइल्स, PDF, मटेरियल, जो भी इस डाटा सेट चाहिए आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। उन्हीं सब डाटा को आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ LG AC एरर कोड लिस्ट, तो अब मेरे जो डाटाबेस में जो लिस्ट था जो आप वहाँ मैनुअली देख रहे थे वो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फिर से चेक कर रहा हूँ ट्रेन AC एरर कोड लिस्ट, अब जो ये मेरे डाटाबेस में है
वो ये सर्च करके लाके हमें यहाँ पे दे देगा, तो जिसे जाके आप जिसका पीडीएफ आप अच्छे से व्यू कर सकते हैं। जब हमारे पास ओरिजिनल डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसे हम अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं, और इस ऐप में हम एआई का यूज़ करते हैं उस एरर कोड को हमारे सर्वर से सर्च करके आप तक लाने का। इस ऐप में एआई का काम सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाना एक अच्छे फॉर्मेट में जो कि वो सर्वर समझता हो, क्योंकि हर इंसान का टोन अलग अलग हो सकता है एरर कोड सर्च करने के लिए। जैसे कि कोई बोल सकता है कि C9 एरर कोड इन डाइकिन एसी, और कोई लिख सकता है डाइकिन एसी में C9 एरर आ रहा है। लैंग्वेज भी चेंज हो सकते हैं और उस वर्ड का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। तो सर्वर पे से डाटा को सर्च करने के लिए आपको उसी के लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ता है कि मेरा ये फाइल है, ये नाम से की है, ये चीज़ है उसमें, तो ये ढूंढ के मुझे दो। तो उस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम एआई का यूज कर रहे हैं। आई होप कि सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा इस ऐप के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का और आपके डाउट को क्लियर करने का। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा।